हेलो जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में जी हम अंडों की कैंडलिंग करने वाले हैं, जो कि हमने इंक्यूबेटर चलाया था तकरीबन 10 दिन पहले। तो आज हम उनके अंडों की कैंडलिंग करेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पास कितने अंडे जो हैं फर्टाइल हुए हैं और कितने चूज़े हमारे पास निकलेंगे। आज की वीडियो जो है वो बनाने में मदद करेंगे हमारे वकार भाई, क्योंकि वीडियो मैं अगर खुद बनाऊंगा तो मेरे से कैंडलिंग सही तरीके से नहीं हो सकेगी। इसलिए मैंने वकार भाई को बुलाया, जो कि कैमरा पकड़ेंगे और मैं आपको कैंडिंग करके दिखाऊंगा। तो कैमरा देते हैं हम वकार भाई को। ये लें जी, सबसे पहले जो है ये हमें अंधेरा करना पड़ेगा, लाइटें बंद करते हैं। तो कैंडिंग हम करेंगे इस मोबाइल की फ्लैश से। ये मोबाइल हमने पकड़ लिया है लाइटें बंद करके, तो हम जो है वो कैंडिंग शुरू करते हैं। ये लाइटें बंद हो रही हैं, ये भी लाइट बंद करके बिल्कुल अंधेरा, ताकि अगर रोशनी में हम कैंडिंग करेंगे तो आपको जो है वो वाजा तौर पर अंदर आएंगे, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो नजर से नहीं आएगी और पता नहीं चल सकेगा कि अंडा फट है या अनफट है। इसलिए कैंडिंग जो है वो कम्प्लीट जो है वो अंधेरे में करनी चाहिए, ताकि वाजा तौर पर पता चल सके। तो इसलिए ये बता दें मोबाइल की जो है वो फ्लैश ऑन कर देता हूँ, तो फिर उसके बाद ये जो है लाइट बंद करेंगे। ये फ्लैश ऑन हो गई है, अभी हम ये भी लाइट बंद कर दी है। तो सबसे पहले हम इंक्यूबेटर खोलते हैं, नई चीज दिखाएंगे। ये देखें जी, उस दिन से अंडे जो है वो 10 दिन हो गया तकरीबन, तो वो अंडे लगे हुए हैं। तो अभी ये इंक्यूबेटर का टेम्परेचर डाउन होता है, तो फिर ये जो है अंदर इंक्यूबेटर की ऑन हो जाएगी, जो बल्ब लगे हुए दिखाएंगे अंदर आप दिखाएँ। ये देखें, अब हम कैंडलिंग शुरू करते हैं। मैं अच्छा इसमें मैं आपको ना ये तकरीबन 80 से 90 अंडे हैं, तो सबकी अगर मैं आपको कैंडलिंग करके दिखाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसमें से मैं रैंडमली कोई भी 10-12 अंडे पकड़ के आपको कैंडिंग करके दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं जो है वो सारी एक दफ़ा कैंडिंग करके, तो उसके बाद फिर आपको जो है वो एंड रिजल्ट जो है वीडियो में बताऊंगा। तो कैंडिंग शुरू करते हैं, तो मैं इस साइड पे आ जाता हूँ जी। आइए ये देखें, सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं और हम एक कोई भी रैंडम अंडा पकड़ लेते हैं। सबसे पहले जी ये एक देसी अंडा पकड़ लेते हैं, ये रहा, इसकी कैंडिंग करते हैं। ये देखें, ये इसका जो है वो एक्शन जो है वो अंडे का छिलका जो है वो बहुत ज़रा डार्क कलर का, इसलिए आपको हो सकता है वाजिया नज़र ना आ रहा हो, लेकिन माशाल्लाह से ये अंडा फर्टाइल है। इसकी जो इसमें जो एम्ब्रियो की मूवमेंट है वो देखें काफ़ी अच्छी हो रही है, मूवमेंट नज़र आ रही होगी कोई। मैं आपको ना ये फर्टाइल अंडा है, एक मैं ये इसका अंडे का छिलका जो है वो लाइट कलर में वो दिखाता हूँ। ये एक फर्टाइल लिखना है, ये देखें एक और देसी अंडा है, इसकी देखें इसको देखते हैं। ये देखें जी, इसमें माशाल्लाह से अब ये देखें एम्ब्रियो देखें डेवलप हो रहा है, उसकी मूवमेंट नज़र आ रही होगी, काफ़ी अच्छी मूवमेंट हो रही है। ये भी फर्टाइल है, ये भी देसी अंडा था। एक और देसी पकड़ते हैं, इसमें से कौन सा पकड़े, ये वाला इधर से पकड़ लेते हैं। ये एक देसी और अंडा आ गया, इसमें देखते हैं, ये भी फर्टाइल है, मूवमेंट देखें आपको इसमें वाजिया नज़र आ रही है, वेंस भी नज़र आ रही है और एम्ब्रियो की मूवमेंट भी वाजे नज़र आ रही है। तीन हो गए, दो तीन आपको और ऐसी देसी अंडे जो है वो पकड़ के दिखाता हूँ। ये चौथा अंडा देसी, ये भी फर्टाइल है माशाल्लाह से, अब तक तो एक भी अंडा जो है वो अनफर्टाइल नहीं निकला, सबके सब जो है फर्टाइल निकल रहे हैं, मूवमेंट वाजिया तौर पर है, वेंस उसकी देखें अंडे की, ये भी फर्टाइल है। अच्छा ये माशाल्लाह अब तक तो है काफ़ी अच्छा जो है वो रेशो जा रही है फर्टिलिटी की। अच्छा मैं आपको इसमें एक चीज़ बता दूँ कि जो मेरे पास ऊपर मुर्गियों का शेड है, फ्लॉक है, जो जिसके लिए मैंने अंडे लगाए हुए हैं, उसमें मैंने जो है वो 10-2 की जो है वो क्लासर रखा हुआ है, यानी कि 10 मुर्गियाँ हैं और उनके साथ एक मुर्गा छोड़ा हुआ है। तो उस लिहाज से देखें तो काफ़ी अच्छा जो है फर्टिलिटी का वो परसेंटेज जा रही है। आप जो है एक मुर्गी के साथ 7 मुर्गियाँ भी छोड़ सकते हैं, 8 भी छोड़ सकते हैं, और लेकिन मैंने 10 छोड़ी हुई हैं, फिर भी देखने फर्टिलिटी कितनी अच्छी है। लेकिन अगर आप 10 से ज़्यादा छोड़ेंगे तो वो तनासब ज़रा ज़्यादा हो जाएगा, तो अनफर्टिलिटी जो है वो ज़्यादा आने का चांस है। ये मैंने 4-5 अंडे आपको देसी चेक करवाए हैं, अगर मैंने आपको बताया था कि इसमें मैंने वाइट जैपनीज़ के अंडे भी लगाए हुए हैं। जिन दोस्तों ने मेरी वो जो जब मैंने इंक्यूबेटर चलाया वो वीडियो नहीं देखी, वो जाकर ज़रूर देखें। तो अब इसमें से मैं आपको वाइट उसका सॉरी गोल्डन सब्राइट का अंडा, ये गोल्डन सब्राइट का अंडा है, ये भी चेक करते हैं। गोल्डन सब्राइट इतने ज़्यादा नहीं थे, तो 5-7 अंडे थे, तो देखते हैं माशाल्लाह से फर्टाइल है। ये मूवमेंट देखें अब नज़र आ रही होगी आपको, वाजह मूवमेंट है, डेवलपमेंट अच्छी हो रही है, वेंस आपको नज़र आ रही हैं, ये भी फर्टाइल है। ये वाइट उसका गोल्डन सब्राइट का अंडा है,
एक और दिखाता हूँ आपको, गोल्डन स्प्राउट, ये भी गोल्डन स्प्राउट है माशाल्लाह जी, ये भी फर्टाइल है। ये इधर देखें, आप देखें मूवमेंट वाज है। अच्छा, आपने जब भी कैंडल से कैंडलिंग के लिए आपको ना स्पेशल टॉर्च भी मिल जाती है, लेकिन आप गर्मी ना जो अगर गर्मी किसी ने इनके बटर चलाया हो या मुर्गी के नीचे अंडों की कैंडलिंग करनी हो तो आप ये टॉर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी पता चल जाता है। उसके लिए आपको वो स्पेशल एक टॉर्च खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक और बॉक्स का गोल्डन स्प्राइट है, ये वाला तीसरा डाल, ये भी फर्टाइल है। ये देखें इधर से देखें, आप देखें मूवमेंट एम्ब्रियो की, उसके अंदर डेवलपमेंट देखें, वेन्स आपको नज़र आ रही हैं। 300 वायर्स उसके गोल्डन स्प्राइट की हो गए। एक अंडा इसमें से जो है वो भी देखते हैं। ये एक अंडा मेरा ख्याल है क्रैक हो गया है, ये देखें इसका अंडा जो है वो लीक होना शुरू हो गया है, तो इसको हम निकाल देंगे, क्योंकि इसमें से जो है वो अगर ये अंदर पड़ा रहा तो ये ख़राब भी हो चुका है। आपको ये देखें तो ये स्मेल आना शुरू हो जाएगी, इसको ख्याल है इसको बाहर निकाल देंगे, इसको रखेंगे। तो अब एक और अंडा ये देसी चेक करते हैं, ये अनफर्टाइल अंडा है जी, पहला अनफर्टाइल अंडा निकला है और ये देसी है। इसको भी निकाल देंगे इंक्यूबेटर में, क्योंकि इसको रखने का कोई फायदा नहीं है इंक्यूबेटर में अनफर्टाइल अंडे को। अनफर्टाइल अंडा हम चाहे जितनी देर मर्जी रखा रखे हैं, मैंने इंक्यूबेटर में उसमें बचा तो मरना नहीं है, लिहाजा इसको बाहर निकाल देंगे। एक और देसी अंडा, ये भी अनफर्टाइल है, बिल्कुल साफ अंडा है, जैसे रखा था वैसे का वैसे, कोई इसमें कोई वेंच नहीं नज़र आ रही है, कोई एम्ब्रियो का थोड़ा बहुत हिस्सा नहीं नज़र आ रहा, बिल्कुल साफ अंडा। ये भी अनफर्टाइल है, ये भी निकाल देंगे। माशाल्लाह से फर्टिलिटी का इशू फिर भी ठीक है, क्योंकि तकरीबन 10 अंडे हो गए हैं चेक किए हैं, पेंडिंग किए जिनकी, इनमें से अभी तक ये 2 अंडे अनफर्टाइल निकले हैं। एक अब ये काफ़ी से चेक कर लेते हैं, ये बड़ा फर्ट लेते हैं, ये देसी अंडा है, ये देखें इसमें तो बात है बिल्कुल आपको नज़र आ रही है, क्योंकि इसका जो अंडे का सिल्क है वो लाइट कलर में है। मूवमेंट देखें इसकी, ये भी फर्टाइल है। अच्छा, ये 10-12 तकरीबन अंडों की मैंने आपको कैंडलिंग करके दिखाई है। अब मैं ना सबके अंडे एक दफ़ा कैंडलिंग कर दूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि टोटल हमारे पास कितने जो हैं वो अंडे अनफर्टाइल कितने हैं और कितने जो हैं वो हमारे पास फर्टाइल कितने हैं। अच्छा जी, ये सारी कैंडलिंग कर ली है मैंने अंडों की, ये मोबाइल पर अपलोड कर दिए हैं। 99 ये हमारे पास टोटल जो है वो 90 अंडे थे, जिसमें से ये कुछ अनफर्टाइल अंडे निकले हैं। एक मैंने पहले आपको बता दिया, ये अंडा जो है वो ज़रा क्रैक हो गया अंडे को मूवमेंट करते हुए, तो इसलिए ये निकाल दिया, तो क्योंकि इसको अगर रखेंगे तो अंदर वो खराब काम खराब हो जाएगा। अच्छा, बाकी ये दिखाएंगे, एक काउंटिंग करते हैं जो हमारे पास अनफर्टाइल अंडे निकले हैं। ये सारे अनफर्टाइल हैं, इसमें इनमें कोई भी एक भी जो है वो डेमिंग शेल नहीं है, सारे के सारे अनफर्टाइल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक भी अंडा जो है वो डेड इन शेल नहीं हुआ, सारे के सारे ठीक हैं, जो अंदर बाकी अंडे पड़े हैं वो सब ठीक हैं, और जो है उनमें एम्ब्रियो बिल्कुल अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है। तो गिनते हैं जी टोटल कितने हमारे पास अंडे फर्टाइल और अनफर्टाइल में, दिखाएँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंडे हमारे पास टोटल जो है वो अनफर्टाइल में हैं, और जो कि हम आपको निकाल देंगे बाहर। तो इस वजह से ये जो है इसमें जो फर्टिलिटी का जो तनासब है काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह, तकरीबन 90 अंडे थे, जिनमें से सिर्फ ये हैं जो 9 अनफर्टाइल निकले हैं। उस हिसाब से हमारे पास तकरीबन जो है वो एग्जैक्ट तो मुझे आइडिया नहीं है कि 90 अंडे हैं या कितने अंडे हैं, लेकिन 80 से लेकर 90 के दरमियान है। उसमें से अगर आप 9 निकाल दें तो हमारे पास तकरीबन 80 के राउंड अबाउट चूज़े निकलेंगे। तो जब ये चूज़े निकलेंगे तो तब उनकी वीडियो भी आपको मैं दिखाऊंगा प्रॉपर बना के, और उनकी जो डेली बेसिस पे ग्रोथ होगी, उनको कौन सी खुराक देनी है, उनको मल्टीविटामिन्स कौन से इस्तेमाल करवाने हैं, उनकी सबकी वीडियो जो है वो डेली बेसिस पे आती रहेंगी। और ये थी आज की वीडियो अंडों की कैंडलिंग की, और पिछली वीडियो जिन्होंने ये जो इंक्यूबेटर चलाने वाली है वो नहीं देखी, वो जाकर चैनल पर जरूर देखते हैं, उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है इंक्यूबेटर कैसे चलाना है, उसको कैसे मेंटेन करते हैं, उसमें अंदर क्या क्या चीज़ें कैसे रखनी है, और उनको सबसे मेन चीज़ जो उसके ऊपर वो किट लगी होती है टेम्परेचर कंट्रोल, ये दिखाएं जी, उसके बारे में मुकम्मल मैंने बताया हुआ है कि इसका टेम्परेचर कैसे सेट करना है, कितना सेट करना है। तो वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें, आपको पसंद आएगी। तो आज की वीडियो बस यही थी अंडों की कैंडलिंग की। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।